हैशटैग द स्कॉलरशिप सीरीज और वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडिस मार्शे स्कॉलरशिप को लेकर, जानेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या डेडलाइन है, प्रोविजनल रैंकिंग कब आएगी, कहां इनके डॉक्यूमेंट्स को कुरियर करना है, क्या क्या बेनिफिट्स है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। चलिए, हर बार की तरह हमारे फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको अमाउंट बताऊं तो वही अप्रॉक्स 7,20,000 इंडियन रुपीज़ इतना आपको अमाउंट मिलने वाला है, विच इज़ ऑफ कोर्स वो थोड़े से मेरिट के बेस पर नेक्स्ट ईयर भी आप रिन्यू करवा सकते हैं। दैट मीन्स आपके दोनों तीनों साल के लिए भी आप ये स्कॉलरशिप को अवेल करवा सकते हैं बेस्ड ऑन लिटिल बिट ऑफ मेरिट कंडीशन। नाउ इसकी डेडलाइन की आप इन जनरल बात करेंगे तो इट इज़ ऑफ 26 अगस्त 2024। एंड एट द सेम टाइम आप मुझसे बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला आपका ट्यूशन फीस वेवर, फॉलोड बाय अकोमोडेशन भी आपको मिलने वाला है, देन देयर इज फ्री मील ऑफ बोथ द टाइम्स, वो टू टाइम फ्री मील लिखा है इसमें, एंड देन रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन योर इटालियन बैंक अकाउंट। की मेजर जो 4 बेनिफिट्स है यहाँ भी आपको अवेलेबल है। नाउ रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ऑफकोर्स जो आपकी जो फैमिली इनकम है और इसे वैल्यू है, इट शुड बी बिलो 22 लाख इंडियन रुपीज, एंड योर यूनिवर्सिटी शुड बी फ्रॉम मार्के रीजन से है, एंड 22 लाख से कम अगर आपकी फैमिली इनकम है देन दिस स्कॉलरशिप इज फॉर यू। आपकी प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस पूरा ऑनलाइन होगा इनके ऑफिशियल पोर्टल पर एडिस मार्शे के, अलॉन्ग विद कुरियर वाला पार्ट इसमें है वो मैं आपको आगे वीडियो में कवर करने वाला हूँ। नाउ डॉक्यूमेंटेशन की आप बात करेंगे तो फर्स्ट इज योर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशंस होते हैं एंड आपकी फैमिली इनकम होती है एज ऑन 31st December 2022। दैट मीन्स आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाना है 31st December 2022 के मुताबिक। एट द सेम टाइम सेकेंड डॉक्यूमेंट इज योर बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, फिर से बोल रहा हूँ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपका, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनेगा आपका 31st December 2022 का। एंड थर्ड इज योर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये भी आपका 31st December 2022 का बनेगा, इसमें आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है इन स्क्वायर मीटर, एंड इन केस इफ यू आर लिविंग ऑन रेंट देन आपका ईयरली रेंट लिखा होता है इसमें, जो कि ऑफकोर्स 31st December 2022 का बनने वाला है। प्रोविजनल रैंकिंग की बात करें तो ये आपकी आ सकती है बाय 12th September, आई सेड बाय 12th September, 12 सितंबर को नहीं, उससे पहले कभी भी आपकी रैंकिंग्स आ सकती है, एंड उसके बाद से आपके पास 5 दिन रहेंगे, जिस भी दिन रिलीज होती है ये इसका प्रोविजनल रैंकिंग, उसके बाद 5 दिन है टू रेक्टिफाई योर रैंकिंग इन केस आपका प्रोविजनल में नाम नहीं आता है। तो आपकी स्कॉलरशिप की जो प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अब मैं ये नहीं कहूँगा किसी से हमारे थ्रू करवा लीजिए, बट इन केस इफ यू नीड असिस्टेंस इन योर प्रोसेस सिंपली कॉल अस ऑन दिस नंबर फॉर अ फ्री काउंसलिंग सेशन, एंड आप पूरी स्कॉलरशिप प्रोसेस एंड इवन योर वीजा प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। ओके, फाइनल रैंकिंग के बारे में आप उनसे पूछेंगे तो इट विल बी रिलीज्ड बाय 15th of October, एंड एट द सेम टाइम आपको डॉक्यूमेंट, यहाँ जो आपने तीनों डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो आपको कुरियर करना है, एंड ये कुरियर करना है आपको 20 सितंबर से पहले, एड्रेस आपको आपके कॉल में मिल जाएगा, उस कॉल को पढ़िए एंड वहाँ से एड्रेस उठाकर 20 सितंबर से पहले ये तीनों डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके कुरियर कर दीजिए। नाउ अब वो तीन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप खुद भी ट्राई करें कि आपकी जो ईसे वैल्यू है वो कितनी है, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, तो उसके लिए ये वीडियोस को प्रेफर करिए। एक में आपको हम ईसे वैल्यू के बारे में बता रहे हैं, एंड अदर इज अबाउट कि वो फैमिली इनकम से वो आप ईसे वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट ऑल स्टफ इज देयर, ये दो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं इफ यू आर डूइंग योर प्रोसेस बाय योर ओन। नाउ इस रीजन में आपसे यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो जिन यूनिवर्सिटीज में हम डील करते हैं उसमें ये तीन नाम आपको मिलेंगे, फर्स्ट इज मार्शे पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसरेटा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरिनो। सो यस, दिस वाज ऑल इन दिस स्मॉल वीडियो, वो चौथी वीडियो में इतना ही था, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, आपकी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे कॉमेंट सेक्शन में बताइए हमें, एक बार चैनल चेकआउट करिए आपके रीजन के लिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड देर आर मेनी मोर वीडियोज कमिंग फॉर यू, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड यस, थैंक्स for watching.